हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपका जो चैप्टर थर्ड है कॉमर्स स्टूडेंट्स का, जो आईटी सब्जेक्ट का चैप्टर थर्ड है, वो हम लोग कंटिन्यू करने वाले सेशन। ठीक है, देखो हम लोगों ने जैसे कि इसमें बेसिकली हम लोगों ने इसमें देखा था पहले, ये जो कैसे व्यू करते रिपोर्ट्स वगैरह, मतलब एक वाउचर एंट्रीज पूरा, मतलब एक ये देखा था हम लोग, केस स्टडी देखा था। ओके, फुल यू कैन से वन केस स्टडी वी हैव सीन ओवर हियर। So now we'll move further to GST part। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे, GST part में जाएंगे। That is this important concepts under GST। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। स्टार्ट करने से पहले सेम लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, सो द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडर GST। तो GST मतलब जैसे कि मैंने बताया था आपको स्टूडेंट्स कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, आपको सबको पता है। ओके, बहुत ही फेमस है अपने इंडिया में भी GST। ठीक है, सो एंड आपको पता है ये जो डेट है इधर हम लोग का लागू हुआ था। ओके, ये डेट ज़रा याद रखो आप लोग। ठीक है ना, दैट इज़ 1 जुलाई 2017 में हम लोग का GST लागू हुआ था। ठीक है, एंड GST क्या होता है, यू कैन से एक इनडायरेक्ट टैक्स टाइप ही है। ओके जैसे आप पता है कुछ खाते हो तो भी टैक्स GST वगैरह पे करना पड़ता है आपको, प्रोडक्ट्स पे 18% का GST वगैरह होता है। ठीक है ना, तो वैसे तो जो पहला कंट्री ने इम्प्लीमेंट किया था वो था फ्रांस आपका। ठीक है, वो किसने किया था, फ्रांस ने किया था। फ्रांस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट, कब, इन 1954। ठीक है, और इंडिया में 1 जुलाई 2017 में हुआ। ठीक है, तो ये जो GST है बेसिकली इसने क्या किया, बहुत सारा जो इधर उधर का जो टैक्सेस था जो पहले से जो मौजूद था वो उसने क्या कर दिया, यू कैन से रिप्लेस कर दिया। ओके जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स फॉलो करने लगी। ठीक है, और GST का मतलब क्या है, ये इंपॉर्टेंट एक बोलते हैं ना लोग, स्लोगन जैसा बोलते हैं हम लोग, दैट इज GST इज ऑलवेज व्हाट, इट इज़ वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट लाइक। ओके, इट इज़ वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट लाइक। ठीक है, सो ओवर हियर गुड्स सर्विसेज एंड टैक्स। तो यहाँ पे गुड्स मतलब क्या है, यू नो दैट एन मूवेबल प्रॉपर्टी, जो पैसा और जो भी आपका एसेट्स वगैरह होता है उसके परे होता है। ठीक है ना, तो वैसा कोई भी एक चीज़ होगा तो उसको हम लोग गुड्स बोलेंगे। और सर्विस मतलब जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसा एक डॉक्टर क्या करता है पेशेंट को, यू कैन हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, डॉक्टर्स वगैरह, फिर डेंटिस्ट, बार्बर्स, यू कैन से हेयर कटिंग सर्विस, वेटर्स, फूड सर्विंग सर्विसेज, फिर बाद में ऑनलाइन सर्वर्स, जो भी वेबसाइट्स वगैरह को होस्ट करने के लिए सर्विसेज, तो वेबसाइट वेब होस्टिंग सर्विसेज बोलते हैं उसको। तो ऐसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो आपका जो पूरा बैलेंस शीट्स वगैरह और जो खर्चा पानी जो होता है आपका पूरे साल का और ये सब बताने के लिए। ठीक है ना, तो वो होता है। एंड टैक्स क्या होता है आपका, एक यू कैन से छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जो कि स्टेट के रेवेन्यू में जाता है। ठीक है ना, तो यू कैन से ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, GST के अंडर आती हैं। तो अभी इसमें देखते हैं हम लोग कि बेसिकली आपका जो ये GSTIN करके एक कंसेप्ट है वो होता क्या है। GSTIN आपको पता होगा कि एक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे कि एक्सरसाइज सॉल्यूशन में मैंने पहले बता दिया था व्हाट इज़ GSTIN, दैट इज़ G फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है ना, ये ध्यान में रखो। जैसा कि GSTIN बेसिकली कोई भी आप एक सर्विस खोलते हो, कंपनी खोलते हो, तो उसमें क्या होता है, एक आप ऑथराइज डीलर के हिसाब से एक माने जाते हो जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि GSTIN का GST नंबर जो बोलते हैं ना हम लोग। हर एक कंपनी वगैरह जो भी खोलता है तो उसको GST नंबर खोलना ज़रूरी ही है। ओके, सो एज इट फॉलोज़ वन टैक्स वन नेशन वाला फंडा। ठीक है, सो दिस थिंग इज़ देयर। एंड यहाँ पे देखो जो भी है रजिस्टर्ड डीलर जो है, आप बोल सकते हो कि ये सब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, ये सब आप लोग का यू कैन से GST एक्ट के अंडर आता है। ठीक है ना, तो ये होता क्या है एक्चुअली, एक 15 डिजिट पैन बेस्ड रजिस्टर्ड नंबर होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो। तो इधर यहाँ पे दिया है देखो, ये जो पहला दो जो नंबर होता है वो अभी महाराष्ट्र का है तो MH रहेगा। ठीक है ना, तो स्टेट का कोड। और यहाँ पे आपका जो है मतलब अभी MH तो मैंने कैरेक्टर में बोला, बट जो स्टेट का कोड डिजिट्स में रहेगा वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, सो फिर बाद में यहाँ पे देखो ये परमानेंट अकाउंट नंबर रहेगा, ये पैन नंबर आप बोल सकते हो इधर। ठीक है, और ये आपका एक जो भी एक बाय डिफ़ॉल्ट एक नंबर्स होगा। ठीक है, ये और ये एक चेकसम डिजिट होगा। तो ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं 15, 2, फिर ये 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, ये ध्यान में रखो, ये पूरा स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखो। स्टेट कोड, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये जो होता है पैन नंबर, और ये जो होता है एक यू कैन से डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, एंटिटी नंबर होता है। और एंटिटी मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब बहुत कुछ भी हो सकता है वो, तो उसका एक नंबर जैसा अलॉट कर दिया उस हिसाब से। सो ये था आपका, ठीक है। फिर बाद में अगर मैं इसमें आगे जाऊँ, दैट इज़ फिर ये हो गया अपना जीएसटीएन ख़त्म। फिर अभी क्या है, एचएसएन कोड। तो एचएसएन कोड में देखो यहाँ पे क्या है, एचएसएन कोड मतलब यू कैन से दैट इज़ इट इज़ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लेचर। ठीक है, क्या है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉर्मल क्लेचर, दिस इज़ दैट। और ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जो भी कोडिंग सिस्टम जो डेवलप किया गया है WCO से। WCO मीन्स व्हाट, इट्स वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, ओके। और ये क्यों क्या है, क्योंकि जो गुड्स होता है आपका, तो उसका जो पर्टिकुलर कैटेगराइजेशन होना है, क्लासिफिकेशन होना है, जो भी ऑल ओवर वर्ल्ड, उसको एक पर्टिकुलर यू कैन से बाइफर्केशन होना चाहिए, प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो सब इसमें होता है, ओके, एचएसएन कोड में। ठीक है, बाद में आ गया सैक। सैक मतलब सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, ओके, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड। ये किससे इशूड होता है, CBEC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, ओके। और ये भी क्या करता है, यूनिकली आपका यू कैन से जो भी सर्विसेज है वो क्लासिफाई करता है जीएसटी के अंडर। ठीक है, और हर एक सर्विस को एक यूनिक आप सैक रहता है। ठीक है, ये ध्यान में रखो, दैट इज़ द टर्म यूनिक, ओके। नाउ विल सी टैक्स अंडर जीएसटी। तो टैक्स अंडर जीएसटी का ये मॉडल हम लोग देखते हैं अभी। जैसे क्या है आपका जीएसटी है, तो जीएसटी में कैसा होता है, अलग अलग जीएसटी का प्राइसेस मतलब अलग अलग यू कैन से मार्जिन होता है, दैट इज़ एक इंट्रा स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर ही, मतलब अगर महाराष्ट्र स्टेट है या हैदराबाद स्टेट है, तो उसी के अंदर जो होता है, विद इन दैट स्टेट ओनली यू कैन से द जीएसटी इज़ देयर, ओके, उसका बाइफर्केशन है। और एक होता है इंटर स्टेट, इंटर मतलब महाराष्ट्र टू कर्नाटका और कर्नाटका टू राजस्थान, ऐसा वाला जो दूसरा दूसरा स्टेट होता है। मतलब अभी कर्नाटका एक स्टेट हो गया, फिर दिल्ली एक स्टेट हो गया सपोज, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या होता है आपका इंटर में आ जाएगा, ठीक है, एक इसमें आ जाएगा, इंटर स्टेट में आ जाएगा आपका। एंड यहाँ पे ये फिर इटसेल्फ ये किधर है, विद इन है, तो ये किस में आ जाएगा, कौन से कैटेगरी में आता है, एक सेंट्रल जीएसटी जो कि CGST बोलते हैं, और एक स्टेट जीएसटी जिसको बोलते हैं हम लोग SGST। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में इंटीग्रेटेड, ये जो आता है आपका इंटर स्टेट, ये इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंडर आता है। तो ध्यान में रखो, अगर इंटर बोला मतलब INTE फॉर इंटीग्रेटेड, ऐसे याद रखो, ठीक है ना, ऐसे याद रखो, ठीक है। और इंट्रा मतलब अंदर ही अंदर, तो अंदर मतलब स्टेट बोलते हैं ना हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, वैसा वाला याद रखो थोड़ा सा, तो याद आ जाएगा आपको। मतलब अंदर ही अंदर इंडिया जो भी आपका फॉलो हो रहा है, दैट इज़ सेंट्रल एंड स्टेट। और इंटर स्टेट मतलब आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी फॉलो होता है, जो कि आपका जीएसटी बोलते हैं हम लोग बेसिकली, ओके, या फिर IGST जो बोलते हैं हम लोग, दैट इज़ इंटीग्रेटेड जीएसटी, दैट इज़ IGST। ठीक है, नाउ कुछ एक कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे, देखो टैबलेट किया गया है, दैट इज़ CGST, SGST एंड IGST। ठीक है ना, अब ये दोनों तो आपका किस में आ गया, इंट्रा में आ गया, ओके, और ये जो आ गया आपका इंटर में आ गया। इंटर मतलब आपका आपस में अलग अलग में, दूसरा दूसरा स्टेट, दैट अभी यहाँ पे देखो किस पे इम्पोज किया जाता है जो भी टैक्स का, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज में किया जाता है। और कि कौन कलेक्ट करता है, ये नाम है सेंट्रल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। जैसा कि मुंबई टू पुणे, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, जैसा मैंने बताया था, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र के अंदर ही। SGST भी सेम है, ये भी इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोल सकते हो आप। और यहाँ पे भी क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज एस इज स्टेट, सो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट। और यहाँ पे देखो ये सातारा टू नासिक एंड महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, यू कैन से इट आउट। अभी यहाँ पे ये जैसा मैंने बताया था, देखो महाराष्ट्र टू कर्नाटक मतलब बिटवीन टू स्टेट्स, ओके, सोलापुर टू हम्पी, ठीक है। तो ये किस में आ गया, जाहिर सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाएगा। जैसा रेलवे के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट टू स्टेट पूरा वैरी करता है काम धाम, है कि नहीं। तो उस हिसाब से इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। तो ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट जीएसटी के अंडर का। सो विल चेक इज देयर एनी अदर, हाँ है यहाँ पे देखो जीएसटी का रेट्स। अभी जीएसटी रेट्स कैसा होता है, अभी जैसा टैक्स स्लैब्स बोलते हैं ना, जैसे मैंने बताया 18%, ये देखो यहाँ पे 18%, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कौन से स्लैब में आता है आपका, ठीक है। तो अभी जैसे ये कि जो गवर्नमेंट बेसिकली क्या एक 4 टायर उन्होंने अनाउंस किया, एक 5% का, एक 12% का, एक 18% और एक 28%, ठीक है। तो ये जो टैक्स स्ट्रक्चर्स है, यू कैन से खाना पीना गुड्स सर्विस सब लागू हो जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया देखो 0%, ये ध्यान में रखो ज़रा। एक 0% जो टैक्स होता है वो किस पे, मिल्क, शुगर, सॉल्ट, एग्स, ब्रेड, मतलब ज़्यादा करके आप बोल सकते हो ये खाने पीने की चीज़ों में, ठीक है ना। पर होटल्स में जब भी फूड खाने जाते तभी तो जीएसटी लगता है कि नहीं, इसलिए मैं बोल रहा था फूड में बोल रहा था, ठीक है ना। तो यू कैन से दीज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस, जुडिशियल पेपर्स एंड चिकन्स एंड प्रिंटेड बुक्स, न्यूज़पेपर, ये सब जो होता है यू कैन से 0% टैक्स यहाँ पे इम्पोज किया जाता है ऐसे ऐसे, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ओके। तो ये एक ध्यान में रखो आप लोग, ठीक है। देन आफ्टर दैट इनपुट एंड आउटपुट टैक्स, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट टैक्स में जो भी इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, इनवर्ड मतलब जो बाहर से अंदर आ रहा है आपका, ठीक है, वो किस में आता है। जैसे कि बाहर से कुछ अंदर सामान ले रहे हो, मतलब कर्नाटका टू यू कैन से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आ रहा है मतलब इनपुट टैक्स उसका फिर देना पड़ेगा आपको। तो इसको क्या बोलते हैं, इनपुट IGST, ओके, या फिर इनपुट CGST अभी, या फिर इनपुट SGST। क्यों, अगर ये इंटर स्टेट में रहेगा, मतलब कर्नाटका से महाराष्ट्र, जैसा मैंने बताया था वैसा रहेगा, तो आ रहा है अंदर महाराष्ट्र की तरफ, तो महाराष्ट्र को एक यू कैन से इनपुट टैक्स देना पड़ेगा ऐसा वो चीज़ के लिए। तो और इनपुट CGST मतलब सेंट्रल, फिर से वही महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र के अंदर। इनपुट SGST मतलब ये तो डिफरेंट था अपना, इंटर स्टेट था, और ये सब इंट्रा है, ओके, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे आउटवर्ड सप्लाई जो करते हैं, मतलब महाराष्ट्र से अगर बाहर जा रहा है कर्नाटक में, तो वो किस में लागू हो जाएगा, वो आउटपुट टैक्स के अंडर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। वो क्या हो जाएगा आपका, यू कैन से आउटपुट टैक्स में आ जाएगा आपका, ठीक है, आउटपुट टैक्स। सो यहाँ पे ये ध्यान में रखो, जो भी है आपका, इसको भी फिर से आउटपुट IGST बोलेंगे, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST बोलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर यू कैन से प्रोडक्ट दैट इज़ बीन डिलीवर्ड टू और फ्रॉम स्टेट्स। तो यहाँ पे अभी लेजर्स पर्टेनिंग टू GST सप्लाई गुड्स, जो भी लेजर्स है वो कौन से इसमें इफेक्ट पड़ते हैं, मतलब जो भी लेजर्स वगैरह है उसको जो GST का एफेक्शन होता है किसमें, सेल्स लेजर्स और परचेज लेजर में। फिर बहुत सारे देखते हैं हम लोग, सेल्स लेजर दैट इज़ सेपरेट से जो भी है आपको, जो भी लोकल या इंटर स्टेट और नॉन टैक्सेबल सेल्स के ऊपर जो भी है एक यू कैन से सेल्स लेजर्स क्रिएट करते हो आप। फिर परचेज लेजर्स में क्या होता है कि जो लोकल परचेसेस है या इंटरस्टेट परचेस है या नॉन टैक्सेबल परचेस है, फिर से यहाँ पे भी एक परचेस लेजर्स आप क्रिएट करते हो इसमें, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स अपॉन, ओके। फिर पार्टी लेजर, SGST, CGST, IGST, ऐसे बहुत सारे लेजर्स है यहाँ पे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे विल सी दैट इज़ लेजर्स पर्टेनिंग टू GST फॉर सप्लायर्स ऑफ दिस अफेक्टेड। तो यहाँ पे जैसे कि सेल्स ऑफ सर्विस लेजर और इनकम लेजर, ठीक है। तो ये जो भी आप इसमें बोलोगे, तो आपका जो यू कैन से एड्स वगैरह आप जो ये करते हो, अप्लाई करते हो, तो उसमें जो भी एक डीलर से आप ऐड लेते हो, तो जाहिर सी बात है वो सेल ही करेगा। आप उसका सेल कराने चाहते हो, इसके लिए तो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो ना, तो वो यू कैन से कम्स अंडर योर सेल्स ऑफ सर्विस। जो भी है मतलब आप अपना सर्विस रेंडर करने के लिए आप ये करते हो इसको ना, जो भी कंसल्टिंग हो गया या फिर एडवर्टाइजमेंट चार्जेस बोल सकते हो आप, उसमें सब लागू कर सकते हो। फिर परचेस ऑफ सर्विस लेजर और एक्सपेंस लेजर, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपको यू कैन से जो भी आपका प्रोडक्ट्स वगैरह आप परचेस कर रहे हो, तो उसका जो भी चार्जेस लगता है वो पेड अप करना इसमें यू कैन से स्वाभाविक है, ठीक है। और यहाँ पे देखो दिया हुआ है नेम ऑफ सर्विस, जो भी एक एसेंस बता दिया मैंने आपको, ठीक है। जो भी वेब डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह जो भी पेड होता है, एडवर्टाइजमेंट चार्ज, ये सब जो भी है वो सर्विस लेजर के अंडर आ जाता है। फिर पार्टी लेजर, SGST, ये सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, ओके। नाउ तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट्स जो भी है इम्पोर्टेंट रिमेंबर करने को जो है वही है सब, कि कंप्लाइंट GST कंप्लाइंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, कंपनी जो है उसका अकाउंट्स वगैरह जो भी इन्वेंट्री मोड से आप यू कैन से GST कैलकुलेशन वगैरह होना चाहिए सर्विसेज का, फिर स्टॉक आइटम्स के हिसाब से GST रेट्स लगाओ वगैरह वगैरह, वही सब है पॉइंट्स, ठीक है। सेपरेटली लोकल या इंटरस्टेट सप्लाई है क्या नहीं वो चेकआउट करो। फिर CGST SGST जो भी एलेजर्स है वो गुड्स और सर्विसेज के लिए कॉमनली क्या एप्लीकेबल है क्या नहीं वो सब चेकआउट करना है। फिर जो भी करंट लायबिलिटीज़ है आपका, ठीक है ना, वो सब कौन से इसमें आता है मतलब ग्रुप्स में। फिर वाउचर्स जो भी है एंट्री करना वो सब इसमें आपका यू कैन से आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, जो एक एग्जांपल देखता हूँ हम लोग देखते हैं, ओके। एक एग्जांपल यहाँ पे कराऊंगा, बाकी आप जो दूसरा और तीसरा जो है वो आप ट्राई करिए, नहीं समझा तो पूछिए, मैं डेफिनेटली बताऊँगा आपको, उसका वीडियो अलग से बना के, ओके। कॉमेंट करो आप, ठीक है। आप जाहिर से मतलब वीडियो पूरा देखते रहेंगे तो आप कॉमेंट करोगे, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, that is let us see the different examples of GST calculation using your different accounting packages, ठीक है ना। तो यहाँ पे example 1 we'll see that with the help of any open source or free education version एक particular accounting software से हम लोग को क्या करना है, एक create करना है। कंपनी का जो नाम है आपका ये श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी, ओके उसका ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। तो अपना ये कंपनी का नाम अपने को अभी जॉट करना है ये, ठीक है। और उसका GSTIN नंबर देखो 27, फिर ये आपका क्या हो गया अकाउंट नंबर, ठीक है इतना। फिर ये जो आपका एंटिटी का था वो, और ये आपका डिफ़ॉल्ट नंबर, और ये आपका लास्ट का क्या है दैट यहाँ पे देखा था ना हमने, हाँ एक मिनट, हाँ चेकसम डिजिट्स, ओके तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो अभी देखते हैं हम लोग, ओके कंपनी का नाम तो मिल गया, तो एंट्री करोगे, फिर एंटर करना है जो भी ट्रांजैक्शन वाउचर्स के हिसाब से GST वगैरह अप्लाई करके, ओके और टैक्स इनवॉइस और GST रिपोर्ट्स अपने को सेल्स का जो भी बना है वो प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इतने तारीख को परचेस किया गया था 50 यूनिट CCTV, हर एक CCTV कितना है 10,000 पर यूनिट का है, ठीक है 10,000 मतलब एक CCTV आपका कितना है यू कैन से 10,000 रुपये का है, ठीक है। एक CCTV कितना है 10,000 रुपये का है। तो यहाँ पे देखो आप ये तारीख को परचेस किया गया है, तो परचेस डेट अपने को मिल गया, कितना परचेस किया वो मिल गया, क्या परचेस किया है और एक का कितना प्राइस है, और GST कितना लग रहा है भाई 28%, और कहाँ से लिया है शिवा एंटरप्राइजेस से, कोल्हापुर वगैरह वगैरह। कंपनी ये है, लिया इधर से है, ठीक है, और उसका एड्रेस। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा है 2 तारीख को अप्रैल 2019 को 30 यूनिट्स मतलब 30 CCTV लिया गया है, और हर एक CCTV का प्राइस है 12,000 रुपये, और यहाँ पे GST कितना दिया है 28%, ओके और लिया किसको यू कैन से एंजल्स पब्लिक स्कूल को, ठीक है। ये दिया है यहाँ पे फ्रॉम था, ओके यहाँ पे टू है देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था परचेस किया था, यहाँ पे इन्होंने सोल्ड किया, ओके ये बंदे ने ये कंपनी ने इधर से परचेस किया और इधर बेचा, मतलब ये पब्लिक स्कूल में बेचा जो कि सातारा में वगैरह वगैरह है, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, हाँ अभी जो भी है आपका यू कैन से, अभी ये ज़रा ध्यान में देखो इसमें क्या बोला है इन्होंने, शाहपुरी स्टेट कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये कोल्हापुर महाराष्ट्र, ये भी कोल्हापुर सातारा महाराष्ट्र, मतलब क्या हुआ इधर इंटर स्टेट का आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। इधर क्या आ गया इंटर स्टेट का, सबसे पहला ये देखना है, तो वही दिखाया देखो यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो भी है परचेज या सेल जो भी हुआ है वो विद इन दिस महाराष्ट्र स्टेट है ओनली ही हुआ है। तो जीएसटी आपका जो लग रहा है 28% जो जीएसटी लग रहा है वो कैसा होगा, आधा आधा। इसलिए आपने देखा रहेगा कभी भी आप होटल में खाते हो बिल वगैरह तो उसमें कैसा होता है, दो बार रहता है, एक एसजीएसटी 1.8% और एक सीजीएसटी 1.8% या 18% जैसा आपको रहता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स वगैरह पे। तो उस हिसाब से यहाँ पे देखो कितना है, फिर इसको डिवाइड कर दिया 14 और 14 दो टाइप में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अभी हम लोग का चालू हो जाएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्रिएट करना। तो अभी देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कोई भी एक उठाओ सॉफ्टवेयर और उसमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करना है। विल क्रिएट द कंपनी दैट इज़ नोन एज, देखो यहाँ पे दिया है, मैंने पहले ही बताया, और उसका एड्रेस, पिन कोड वगैरह, और फाइनेंशियल ईयर बिगिन जो होता है वो ये वाला लेना है अपने को, ठीक है, 14। फिर बाद में जो भी जीएसटी फीचर्स है उसको फीचर्स टैब में जाके सैचुरेट और टैक्सेशन में जाके एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स के अंडर उसको यस टिक कर देना है, ठीक है। और ऑल्टर वगैरह करना रहेगा तो बाद में उसको भी यस करना है, सॉफ्टवेयर में रहेगा आपको ऑप्शन। फिर बाद में यहाँ पे टाइप स्टेट महाराष्ट्र, देखो यहाँ पे जो भी स्टेट जो रहेगा वो टाइप में जाके आप महाराष्ट्र करोगे और जीएसटीआईएन महाराष्ट्र का ये बाई डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बिकॉज महाराष्ट्र स्टेट का वही है क्योंकि इंटर स्टेट में है, तो और फिर बाद में आप ये एंट्री हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, लेजर अकाउंट्स क्रिएट करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अकाउंट्स इन्फो में जाना है, लेजर में जाना है, डी आएगा इधर, और सिंगल में जाके क्रिएट करोगे क्योंकि सिंगल ही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, पहला लेजर्स में क्या है, परचेस वाला करोगे, फिर शायद सेलिंग वाला करोगे, देखते हैं। परचेस वाले में सीसीटीवी, परचेस अकाउंट्स ग्रुप किस में आएगा, परचेस में आएगा। फिर डिटेल क्या करोगे, एप्लीकेबल है जीएसटी, हाँ येस, ऑल्टर करना है येस, जो भी ट्रांजैक्शन है परचेस टैक्सेबल, ओके, और टाइप जो होता है टैक्स के अंडर ग्रुप में 28% में आएगा, उसमें भी बाइफर्केशन होगा, दोनों में आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है 14% और 14%। और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, क्यों गुड्स, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास जो होते हैं ये गुड्स ही है एक एक्चुअली। फिर बाद में वही उसको येस करना है, फिर जीएसटी डिटेल स्क्रीन, सेलेक्ट अपीयर, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, परचेस टैक्सेबल, ये सब करना है। फिर जीएसटी डिटेल्स में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के अंडर परचेज टैक्सेबल में आपको टिक करना है, फिर शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स में येस करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो अभी सेल्स का है, परचेज का हो गया, अभी देखो यहाँ पे सेल्स का, ठीक है। यहाँ पे देखो नोट दिया हुआ है 28% वही है 14% 14%। यहाँ पे देखो आप एंटर की प्रेस करना है, वो बता रहे हैं उन लोग, सेल्स फिर एंटर करने है। तो यहाँ पे लेजर्स क्या क्रिएट कर लोगे, अभी सेल्स सीसीटीवी का करोगे और किस में आ जाएगा, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। ये जो था आपका किस में आ गया था, देखो परचेस में आ गया था ये आपका, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, तो सेल्स इज जीएसटी एप्लीकेबल, ओके, एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल करना ही है आपको। ऑल्टर का उसको भी येस कर देना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन सेल्स वाला करना है, उधर परचेस टैक्सेबल था, इधर सेल्स टैक्सेबल को क्लिक करना है। फिर आपको दिखा देगा जीएसटी का बाइफर्केशन, तो आप 28% करोगे और उसमें भी 14% एसजीएसटी और ये सीजीएसटी आप करोगे, स्टेट जीएसटी और एक सेंट्रल जीएसटी का 14% 14% और टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स कर दोगे आप, ठीक है। उसके बाद इसके लिए सेल्स का जो आप क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे वही सेम स्टेप्स पे, दैट इज़ लेजर जो है एसजीएसटी के लिए, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी परसेंटेज कैलकुलेशन स्टेट का, ठीक है। तो इस हिसाब से करना है। फिर सीजीएसटी अकाउंट में आप क्या करोगे, दैट इज जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस के अंडर ही जाएगा, जीएसटी के अंडर सेंट्रल टैक्स, क्योंकि सेंटर है इसलिए सेंट्रल, और यहाँ पर किसको दे रहे हो आप वो जाएगा, दैट इज़ एंजल पब्लिक स्कूल अकाउंट, सन्ड्री डेप्टर्स जाएगा, ओके, क्योंकि ये आपको पे करने वाले ना उधर। और शिवा एंटरप्राइजेस में क्रेडिट होगा, दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स के ये एंटिटी से, ठीक है, ये ध्यान में रखो। क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिट करना, पैसा देना, मिलना, ऐसा बोल सकते हो। डेप्टर्स मतलब खर्चा करना, माइनस होना पैसा, वैसा, ठीक है। डेप्ट मतलब क्या होता है, उधार ही होता है ना। तो अंजल पब्लिक स्कूल में अकाउंट से डेप्ट होगा, सन्ड्री डेप्टर्स करके, और वो डिटेल्स और पिन वगैरह सब फिलअप करेंगे। और शिवा एंटरप्राइजेस, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे, देखो दिखा देता हूँ आपको, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था आपका, हाँ ये देखो क्या था, शिवा से क्या है हमने, फ्रॉम परचेस किया, हमने परचेस किया फ्रॉम शिवा, और यहाँ पे सोल्ड किया इसको एंजल को, ओके। तो परचेस में क्या आएगा, परचेस कर रहे हो तो इसके पैसे से खाते से पैसा जाएगा जो कि शिवा एंटरप्राइजेस को आएगा, और मतलब इसको एंजल से, और ये मिलेगा किसको, इसको मिलेगा शिवा को, क्योंकि इससे खरीदा ना हम लोगों ने, तो इसको पैसा देना पड़ेगा। तो उस हिसाब से ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये क्या आ गया आपका, ये आपका क्या आ गया, दैट इज़ एंजल पब्लिक स्कूल जो कि है वो डेप्टर्स है, और शिवा एंटरप्राइज है क्रेडिट, क्योंकि उसको पैसा मिलने वाला है क्योंकि आप उससे खरीद रहे हो प्रोडक्ट। अब देखते हैं क्रिएट इन्वेंट्री डिटेल्स। अब इन्वेंट्री डिटेल्स आप क्रिएट करोगे, ये चौथा स्टेप, तीसरा स्टेप है, फिर आप रिपोर्ट्स प्रिंट करोगे, चौथा स्टेप, ठीक है ना। देखते हैं क्या है, दैट इज़ यूनिट जो भी है, कितने यूनिट्स के लिए वो सब आपको डालने हैं। जैसे ये कितना लिया था हमने, 50 लिया था, ओके। कैमरास क्या लिया हमने, कैटेगरी कैमरा में आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट में कैमरा में आ जाएगा, फिर स्टॉक के हिसाब से आइटम प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, सीसीटीवी कैमरास। जीएसटी रेट के हैं तो सेलेक्ट कर दोगे 28%, ठीक है। वही सब इसमें एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप ये वाला फॉलो करो या फिर ये समझ के लो तो भी चलेगा। वही सब है, यूनिट क्रिएट करते हो उसका कोड वगैरह मांगेगा, फिर उसको सेव करना है, फिर कैटेगरी देना है आपको, फिर एक्सेप्ट सेव करना है, फिर मतलब एक डेटा एंट्री टाइप बोलते हैं ना हम लोग, वैसा सब ऑप्शन रहेगा, आपको सिर्फ आपको फिलअप करना है सिर्फ आपको, ठीक है ना। यहाँ पे आइटम प्रोडक्ट्स के अंडर आपको प्रोडक्ट सीसीटीवी आएगा, फिर जीएसटी वगैरह एंटर करने को आएगा, फिर आप उधर यू कैन से 28% करके फिर से एसजीएसटी सीजीएसटी को आप 14 देके गुड्स टाइप सेलेक्ट करके ओके कर दोगे। अभी यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे अभी आपका ये फोर्थ स्टेप है, परचेस एंड देन रिपोर्ट्स। ओके फोर्थ स्टेप मिस हो गया था, दैट इज़ परचेस क्रिएट करना है अपने को यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपना परचेस एंड सेल्स वाउचर्स क्रिएट होगा, फिर आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो परचेस वाउचर में फिर से अकाउंटिंग वाउचर्स, उसमें परचेस वाउचर टाइप सेलेक्ट करोगे आप, दैट इज़ वाउचर डेट सेलेक्ट करोगे, ओके क्योंकि आपको पता है 1/4 अप्रैल 1 तारीख को ख़रीदा था, इनवॉइस उसका दोगे, पार्टी नेम क्या है आपका, शिवा से आपने ख़रीदा है तो शिवा एंटरप्राइजेस आएगा, ओके। फिर परचेस सीसीटीवी ये सेलेक्ट करना ऑप्शन, ये सब जो है ना इतना कुछ आपको ये डिफिकल्ट नहीं है, ये सब आपको क्या है उधर रहेगा ऑटोमेटिक, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शन, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर जैसे दिखाऊं तो मैं यहाँ पे देखो हम लोगों ने किया था, हाँ प्रैक्टिकली यहाँ पे देखो, हाँ ये देखो ये जो है ना ऐसा सब ऑप्शंस रहेगा, उसमें ऑप्शंस जो है ना जैसा इसमें दिखा रहा है ना, हाँ ये जो है सब आपको ऑप्शन दिखाएगा। करेंसी जो डिस्क्रिप्शन है तो उसमें आप आइटम एंटर करोगे, जीएसटी एंटर करोगे, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करोगे, इनवॉइस डेट सेलेक्ट करोगे, ठीक है ना। ये सब ऐसा आपको ऑटोमेटिक रहने वाला है आपको, ठीक है। तो यही मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पे, ओके। कुछ डाउट्स रहेगा तो आप डेफिनेटली कॉमेंट कर सकते हो, चलेगा। कहाँ गया अपना, हाँ ये देखो यहाँ पर, हाँ ठीक है ये वाले स्टेप पर थे हम लोग। तो देखो अभी कितना है एंटर करना है, 50 क्वांटिटी और पैसा कितना, एक एक का हिसाब 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 5×10 दैट इज 5 लाख हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके टोटल 5 लाख हो जाएंगे। फिर सो यहाँ पे एसजीएसटी और सीजीएसटी और सेव करके एक्सेप्ट करना है। फिर सेल्स वाउचर किसको सेल्स किया अपन ने, एंजल पब्लिक स्कूल को सेल्स किया है, ठीक है। उसमें किधर लेजर फील्ड में सेल्स में सीसीटीवी सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट, और कितने यहाँ पे 30 यूनिट्स खरीदा उसने 50 पर बेचा उसने किसको, एंजल को 30। इसके लिए ये सब उसका डेटा आपको सिर्फ सेलेक्ट करके करना है, ठीक है। फिर किया इतना आपने, फिर बाद में आपका कितना हो गया रेट, यहाँ पे देखो उसने जाहिर सी बात है कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा ना, वो उसने कितने में कमाया था, ये 10,000 में कमाया था, ठीक है ना। कितने में कमाया था ये 10,000 में कमाया था उसने। अभी बेच कितने को रहा है वो 12,000, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे देखा था दिया था, ओके। ये देखो यहाँ पे कितना दिया है 12,000, ठीक है ना। सोल्ड किया था 30 12,000 रुपयों में, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप उसको एंटर करोगे, ओके 12,000 और एसजीएसटी लागू होके और सीजीएसटी भी सेलेक्ट करके सेव कर दोगे, दोनों लागू करके उसका कर दोगे। अब आ गया फिफ्थ वाला स्टेप, ठीक है ना। रिपोर्ट्स अभी डिस्प्ले करना है, ओके। तो यहाँ पे आ जाते हैं रिपोर्ट डिस्प्ले में। देखो टैक्स इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस जो भी है, रिपोर्ट्स जाएंगे, डिस्प्ले जाएंगे, डे बुक, सेल्स वाउचर। तो देखो ऐसा पूरा आपको आ जाएगा, श्री गणेश ट्रेडिंग कंपनी, ये उसका एड्रेस, जीएसटीआईएन नंबर, स्टेट नेम, फिर कोड। इनवॉइस एक फर्स्ट वाला, ओके। डेट देखो 2 तारीख को, ये वो वाला डेट नहीं है, ये जब बनाया तब का डेट है, ये मतलब जो आपने रिपोर्ट बनाया उसका है। बायर कौन है, देखो बायर कौन है, एंजल पब्लिक स्कूल सातारा में है, एड्रेस स्टेट नेम फिर से वही सेम, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे देखो अभी क्या है इसका प्रोडक्ट, सीसीटीवी कितना दिया, 2, एसजीएसटी सीजीएसटी कितना लिया उसने 30, 12,000 में लिया, टोटल कितना हो गया इसका, उसने कितने 5 लाख में 50 खरीदे थे और 30 उसने कितने मतलब 3 लाख में उसने खरीदा ना, तो 2,000 के प्रॉफिट के हिसाब से उसका कितना हो गया 3,60,000 में उसने बेचा और उसमें एसजीएसटी सीजीएसटी लगा के उसने एडजस्टेबल करके 50,400 50,400 इतने में 50,400 50,400 इसको टैक्स ही लग गया। ओके, टैक्स इसने अप्लाई किया इसको मतलब ये बंदे को, ओके, क्योंकि ये बिल बना के दे रहा है, तो ये कितना हो गया फिर 4,68,000 टोटल इसको बिल बन रहा है, ठीक है, इसने बिल बनाया, इसका रिपोर्ट बन गया और वो अभी देखो यहाँ पे पूरा बाइफर्केशन भी दिया हुआ है। ओके, 54, 50 दिस ये कितने अंडर में 14 के अंडर के हिसाब से, ठीक है, 14,000 के सॉरी 14% के हिसाब से फिर ये ऐसे बिल बनता है आपका सॉफ्टवेयर्स में, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में, ठीक है। फिर आपका ये तो था कौन सा आपका इन्वॉइस, ओके, डिस्प्ले रिपोर्ट टैक्स इन्वॉइस का बना था रिपोर्ट, जो आप सेल्स वाउचर का ये बना था आपका सेल कितना किया वो। फिर यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट में आप आ जाओगे तो यू कैन से ओवर हियर ऑल डिटेल्स विल बी डिस्प्लेड, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट जीएसटी, जीएसटी के अंडर एनुअल कंप्यूटेशन पीडीएफ फॉर्मेट में प्रिंट मोड में, क्योंकि प्रिंट भी करने वाले हो रिपोर्ट्स, देखा था आपने स्टेप्स। तो यहाँ पे देखो श्री गणेशा ट्रेडिंग कंपनी के नाम से एड्रेस दिखाएगा, जीएसटी देखो 1 अप्रैल से उसने किया था, 1 अप्रैल से 19 से 31 मार्च, क्योंकि एक साल का बिलिंग साइकिल होता है। ओके, बैलेंस शीट बनता है जैसा लास्ट में। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वाउचर्स कितने हुए एनुअल के हिसाब से, 2 वाउचर्स दिए इन्होंने, ओके, और एक आपका ये देखो यहाँ पे एचएसएन और सैक इन्फॉर्मेशन 2, और यहाँ पे देखो कितना टैक्स जो है 3,60,000 सेंट्रल 50 स्टेट 50, उस हिसाब से टोटल कितना हो गया आपका इधर अमाउंट, ये कितना दिखा रहा है टैक्स अमाउंट सिर्फ कितना हो गया 1,08,000। ओके, फिर से ये और फिर ये टोटल, फिर यहाँ पे इसको देखा जाए तो कितने में पड़ गया वो, ओके, तो यहाँ पे ये कितना हो गया ये 70,000 और 70,000, ठीक है ना, मतलब क्या है ये आपका जो आईटीसी जो ये होता है टैक्स क्रेडिट के हिसाब से, तो वो इसको फिर कितना गिरा 1,40,000, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो होता है वो। ओके, नाउ तो स्टूडेंट्स यही था आपका पूरा टोटल सम का। ओके, इसके बाद यहाँ पे देखो एग्ज़ाम्पल 2 है, ओके, ये भी वैसे ही है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल 2 एक है, उसका भी स्टेप्स है, क्रिएट करो आप रिपोर्ट्स, डिस्प्ले करो रिपोर्ट्स, वही सब है, वाउचर्स वगैरह क्रिएट करके, ठीक है ना। तो यही था, फिर ग्रुप वगैरह कंपनी, फिर से दूसरे का भी वही है, कंपनी क्रिएट करो, फिर आप इसका अकाउंटिंग वाउचर्स क्रिएट करो, देखो दिया है वही स्टेप, फिर बाद में डिस्प्ले करो रिपोर्ट्स, वही सब दिया, बाद में आगे का दिया ही नहीं हुआ। तो ये ज़रा समरी जो पॉइंट्स है वो ध्यान में रख लो आप। ओके, दैट इज़ समरी, दैट इज़ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रिकॉर्ड करता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो क्या होता है, मतलब बेसिकली प्रोसेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद क्रिएशन और कंपनी एंड ऑल, फिर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग जो होता है हर एक लेजर, ये सब वही पॉइंट है। देखो ये भी एक पॉइंट है, अकाउंटिंग ग्रुप इज़ ए कलेक्शन ऑफ लेजर अकाउंट्स फ्रॉम द सेम नेचर, ठीक है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ज़रा देख लेना। महाराष्ट्र के लिए देखो GSTIN नंबर दिया हुआ है, ओके, थ्री टाइप्स ऑफ GST देखो क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो SGST ये सब, ओके, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन तो हम लोगों ने कर दिया है, ठीक है, होप सो आपको समझा होगा। अगर ये जो 2 एग्जाम्पल्स है लास्ट के वो अगर समझना है तो मुझे कॉमेंट करो, और ये तो वीडियो ने तो लंबा हो जाएगा, वैसे एक एग्जांपल आपको बता दिया, आप आइडिया ले लो उससे, ठीक है, अगर नहीं समझ रहे फिर भी तो बोलो, मैं बना दूंगा दूसरा वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। सो होप सो आपको कुछ मदद मिला होगा इस वीडियो से और समझा होगा, ठीक है। टिल देन विल कम विथ नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर कॉमर्स सिलेबस ऑफ IT सब्जेक्ट, ओके, टिल देन यू स्टे ट्यून्ड विथ दिस चैनल एंड डेफिनेटली आई विल tell you that like this video, subscribe this channel and share this video to your friends, students, okay, till then Have a good day. Thank you.